हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सो इस वीडियो में प्रोग्रामिंग के सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि होता है वेरिएबल, उसको समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम लेते हैं यहाँ पे पेन। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। वेरिएबल इज अ कंटेनर और स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा। सो वेरिएबल समझने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर अभी तक आपने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है कुछ भी, सो आप अभी तक जो वेरिएबल आप समझ रहे होगे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। वेरिएबल का मतलब होता है रैम के अंदर कुछ ब्लॉक बनते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। पहले थियोरी को समझते हैं, ओके। सो इन प्रोग्रामिंग वेरिएबल इज अ कंटेनर टू होल्ड डेटा। सो वी कैन से वेरिएबल इज जस्ट अ प्लेस होल्डर ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर सम वैल्यूज और डेटा। सो बेसिकली इसको ना प्रैक्टिकली समझते हैं एंड इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे असाइन कर सकते हैं इसके अंदर वैल्यू। सो आप इस इमेज में देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल। सो इंट यहाँ पे डेटा टाइप है एंड एज यहाँ पे वेरिएबल का नेम है। सो एज को हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम दैट इज आइडेंटिफायर बोल सकते हैं एंड 20 इसके अंदर असाइन किया गया है जो कि है वैल्यू। सो आप देख सकते हो इन कंप्यूटर रैम कुछ इस तरीके का होता है एंड इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना जो कि रैम के अंदर कुछ ब्लॉक को होल्ड करके रखा है, कुछ मेमोरी को होल्ड करके रखा है, कुछ स्पेस को होल्ड करके रखा है जिसके अंदर वैल्यू 20 असाइन किया गया है रैम के अंदर। सो सेम यहाँ पे डिफिनेशन वही है, इन प्रोग्रामिंग वेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर सम डेटा और सम वैल्यूज एंड टू इंडिकेट स्टोरेज एरिया इच वेरिएबल शुड गिवन अ यूनिक नेम दैट इज आइडेंटिफायर। ये यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट किया गया है जिसके अंदर 20 असाइन किया गया है, इसके अंदर एज आइडेंटिफायर है जो कि यूनिक नेम है, ओके। सो अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। सो हम प्रोग्राम करते हैं सबसे पहले। सो इसके लिए हम VS कोड को कर लेते हैं ओपन एंड मैं यहाँ पे नया फाइल बनाता हूँ। नया फाइल बनाने के लिए सिंपल आपको राइट क्लिक करना है एंड न्यू फाइल पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे नया फाइल बना लिया है, ओके। सो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, दैट्स ग्रेट, ओके। इसको मैं हाइड करता हूँ एंड दिस इज आर डिस्प्ले। सो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल। सो गाइज यहाँ पे हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं। सो यहाँ पे जस्ट मैंने 3 वेरिएबल को क्रिएट करा का टाइप है इंटीजर टाइप। इस वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सो रैम कुछ इस तरीके से दिखता है। सो वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट होता है वो अभी आप समझो। जस्ट रेज्यूम कर लेते कि एक रैम है जिसके अंदर सभी ब्लॉक यहाँ पे 4-4 बाइट की है, ओके। सो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए ए बी एंड सी जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक ये है वेरिएबल और एक ये है वेरिएबल एंड एक ये है वेरिएबल जिसका तीनों का नाम मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है, ओके। तो गाइस वेरिएबल क्या होता है, जस्ट रेज्यूम कर लो कि ये रैम है, ओके। और इसके अंदर जो भी यहाँ पे ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो सभी 4-4 बाइट्स की ब्लॉक है और मैंने प्रोग्राम के अंदर 3 वेरिएबल बनाया जिसका ब्लॉक आप यहाँ पे देख सकते हो। एक ये ब्लॉक है जिसका नाम है ए, दैट इज वेरिएबल नेम, एंड इसका बी और ये सी है। सो वेरिएबल किसको बोलते हैं, मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक बनता है डेटा को स्टोर करने के लिए उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। एंड ये यहाँ पर जो आपको नाम दिख रहा है ए बी एंड सी, तो ये वेरिएबल का नेम है जिसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं और इसका यूज होता है वेरिएबल के डेटा को एक्सेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके। सो अभी ये काम कैसे करेगा, सो जैसे ही मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगा सबसे पहला यहाँ पे 3 वेरिएबल बनने वाला है रैम के अंदर एंड देन प्रिंटिव फंक्शन चलेगा जिसके अंदर हमने एंटर किया है एंटर फर्स्ट वैल्यू, ओके, जो कि ए के अंदर स्टोर होने वाला है एंड सेकेंड लाइन है जो कि है एंटर सेकेंड वैल्यू, ओके, प्रिंटिव फंक्शन है। और ये स्कैनर फंक्शन से हम बी के अंदर वो वैल्यू को स्टोर करेंगे एंड देन सी वेरिएबल के अंदर ए एंड बी का सम को स्टोर करने वाले, ओके, एंड देन हम समेशन ऑफ ए एंड बी को प्रिंट करेंगे। सो मैं इसको रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एंटर फर्स्ट वैल्यू करके यहाँ पे आ रहा है, सो मैं यहाँ पे 3 एंटर कर रहा हूँ एंड फिर ये आ रहा है यहाँ पे एंटर सेकेंड वैल्यू, यहाँ पे मैं 5 कर रहा हूँ एंड देन जैसे मैं एंटर करूंगा आप यहाँ पे देख सकते हो 3 and +5 = 8। सो ये कैसे हुआ, सो सबसे पहले तो एंटर फर्स्ट वैल्यू चला पहला प्रिंटिव एंड देन स्कैन एफ की हेल्प से ये वैल्यू ए के अंदर चला गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 को टाइप करा सो इसके अंदर 3 एंटर हो गया, ए नाम के वेरिएबल के अंदर 3 स्टोर हो गया एंड जैसे इस और जैसे ही सेकेंड लाइन ऑफ कोड चला है एंटर सेकेंड वैल्यू के अंदर मैंने 5 को स्टोर करा है, सो वी वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर हो गया, ओके। और जैसे ही थर्ड लाइन चला जो कि था ए सी = a+b, सो ए एंड प्लस बी सी के अंदर स्टोर होने वाला है जो कि होगा 8, ओके। जैसा कि आप इस एनिमेशन से देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे ए बी एंड सी 3 वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जो कि ये है, ओके, एंड देन एंटर फर्स्ट वैल्यू कमांड चल रहा है। सो यहाँ पे हमने 5 एंटर किया, सो ये वैल्यू यहाँ पे 5 स्टोर हो गया। सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होता है देन इसके अंदर 7 स्टोर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 7 एंटर किया गया है। एंड देन थर्ड लाइन जैसे ही चलता है सो आप देख सकते हो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रहा है
दैट इज सी का वैल्यू है. ओके एंड देन ये प्रिंटफ फंक्शन चलता है जो कि परसेंट डी एंड परसेंट डी यानी कि 5 एंड 7 इज इक्वल्स टू 12. सो होप गाइज आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा एंड ये कैसे काम करता है. एंड नेक्स्ट है रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल. बेसिकली हमने जो आइडेंटिफायर को देखा था पिछले वीडियो में, सो आइडेंटिफायर को ही हम लोग वेरिएबल नेम बोलते हैं. सो वेरिएबल नेम को हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो यहाँ पे देखते हैं. सो एक वेरिएबल नेम के पास सिर्फ लेटर होनी चाहिए, अल्फाबेट्स, जो कि अपर केस हो सकता है और लोअर केस हो सकता है, एंड साथ में डिजिट एंड अंडरस्कोर भी हो सकते हैं. एंड सेकेंड लाइन ऑफ भी सेम ही है. एंड थर्ड लाइन ऑफ कोज में है कि यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि वेरिएबल का नेम कितना बड़ा होना चाहिए, आइडेंटिफायर का नाम कितना बड़ा होना चाहिए. बट कभी कभी अगर आप 31 कैरेक्टर से एक्स्ट्रा लेते हो वेरिएबल एज अ वेरिएबल नेम तो कुछ कंपाइलर वहां पे एरर देती है. ओके सो होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे वेरिएबल नाम को डिसाइड करना है. एंड एज अ वेरिएबल नेम आप कोई कीवर्ड नहीं ले सकते हो, प्रीडिफाइंड या फिर रिजर्व वर्ड को नहीं ले सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था. सो नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉन्स्टेंट क्या होता है. बेसिकली कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जो कि किसी भी वेरिएबल नेम के आगे लगने के बाद अगर आप एक बारी वेरिएबल के अंदर कुछ भी डाल देते हो तो बाद में उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो. जैसे यहाँ पे डबल टाइप है एंड पाई यहाँ पे वैल्यू एंड पाई यहाँ पे वेरिएबल नेम है. ओके एंड इसके अंदर 3.14 को असाइन किया गया है. सो ये कॉन्स्ट कीवर्ड अगर नहीं रहता तो फिर से हम पाई का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. सो यहाँ पे कॉन्स्ट लगा हुआ है, अगर हमने यहाँ से चेंज करने की ट्राई करा तो ये एरर आने वाला है. ओके सो कॉन्स्ट का सिर्फ ये मतलब है कि जब आप एक बारी वेरिएबल को असाइन कर दोगे सो उसको आप वापस से उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो. एंड आप यहाँ पे प्रोग्राम में देखा होगा कि मैंने यहाँ पे स्लैश एन यूज करा है. ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड चला इसके बाद हमें नया लाइन ऑफ कोड न्यू लाइन पे प्रिंट करना था, नहीं तो ये इसके आगे ही प्रिंट हो जाता. फॉरवर्ड स्लैश एन है, इसका यूज है सिर्फ जो भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो इसके लिए. ओके सो इसको हम एस्केप सिक्वेंस बोलते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. स्लैश बी का यूज करते हैं बैक स्पेस के लिए, स्लैश एफ का यूज करते हैं फॉर्म फीड के लिए, न्यू लाइन के लिए हम लोग स्लैश एन का यूज करते हैं जो कि मैंने अभी काटा. सो इसी तरीके से ये सब है एस्केप सीक्वेंस. ओके सो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय. और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सी डेटा टाइप.